तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हम लोग ने हमारे घर को चेंज कर दिया है एक स्कूल में, और इस स्कूल में हमने स्पेशली बुलाया है पढ़ाने के लिए हमारी फेवरेट स्कैरी टीचर मिस टी को। तो आज यार मेरा काम करके मैं जल्दी घर आ गया था, और अब मेरा मन कर रहा है अपनी KTM से कहीं घूमने का। तो वही मैं सोच रहा था कि आज कहाँ चला जाए, तो ऐसी शहर के बीचों बीच से चलते हैं और देखते हैं आज कुछ मज़ेदार चीज़ है क्या हमारे पास करने के लिए। वैसे दोपहर का टाइम हो चुका है और इधर स्कूल की तरफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये क्या हो रहा है, पुलिस की गाड़ियाँ स्कूल के बाहर? भाई कुछ गलत हो रहा है इधर। अरे नहीं, यहाँ पर तो किडनैपर्स आ चुके हैं और एक किडनैपर ने एक बच्चे को रख लिया है अपने पास। यार इसको बचाना पड़ेगा मेरे को, पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती, अगर वो हिले तो किडनैपर कुछ गलत कदम उठा सकता है। यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? एक आइडिया है मेरे पास, मैं एक ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ से किडनैपर मुझे देख नहीं सकता है और वहाँ से मुझे किडनैपर को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसके सामने कुछ भी हरकत करी तो सही नहीं होगा। पहले तो हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट में, वहाँ पे यार मुझे उड़ने के लिए कुछ चाहिए। ये प्लेन ठीक है ना? हाँ ये प्लेन ठीक रहेगा, इसको लेता हूँ मैं। जल्दी स्टार्ट हो, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा उस स्कूल की किसी बगल की टॉप वाली बिल्डिंग पे मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे अच्छी हाइट मिल जाएगी। और मेरे पास एक स्नाइपर रखी है जो कि मैंने ले ली है, उस स्नाइपर से मैं उसको मार दूंगा। कौन सी बिल्डिंग है? ये रहा स्कूल, इसके बगल में मुझे यहीं पर लैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लीज़, मैं इसके ऊपर गिर जाऊँ? यार मेरा अंदाजा सही है क्या? कैलकुलेशन सही है मेरी? प्लेन भी नीचे आ जाना भाई, वरना मैं नीचे कैसे जाऊँगा? प्लेन कहाँ है? प्लेन आ गया क्या? वो प्लेन रुक जा, रुक क्या अभी आगे कहाँ जा रहा है? अरे इसको रोको, रुक जा भाई। हाँ रुक गया, चलो ठीक है अब आगे का काम करते हैं। तो मैं रेडी हूँ, मैंने पूरा एम ले लिया है उस किडनैपर पे और मार दिया गोली, मार दिया, शूट कर दिया मैंने किडनैपर को, बचा लिया मैंने उस बच्चे को, और हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्या बचाया यार मैंने, अब वो बच्चा सेफ है और बाकी सारे बच्चे भी सेफ हैं जो कि पहले ही स्कूल से भाग चुके थे, बस ये फंस गया था वहाँ पर। अब पहले तो मैं नीचे उतरता हूँ, प्लेन को यार मैं उड़ाऊँ कैसे यार, इधर रनअप की जगह नहीं है, पीछे ले जाना पड़ेगा। अरे यार ये टेक ऑफ नहीं कर पाएगा ना इधर से, भाई ये उड़ेगा क्या? मैंने चालू तो कर दिया प्लेन लेकिन ये उड़ नहीं सकता यहाँ से। नहीं गया क्या? अरे क्रैश नहीं, वो नहीं आगे निकल रही है, वो बाहर निकल भाई, प्लेन से फटने, ओ भाई फट गया, अरे लग गई यार, लेकिन मैं बच गया ठीक है। जल्दी, अरे यार ये कौन है, जल्दी जाके देख के आता हूँ मैं, भाई सब सेफ है कि नहीं वहाँ पे। ये ओ नहीं, स्कूल के अंदर बम लगे हुए थे, इन लोगों ने अंदर बम लगा दिए थे यार, स्कूल का तो काम लगा दिया इन लोगों ने, बाकी सब सेफ है पर स्कूल की बिल्डिंग इन लोगों ने यार डिस्ट्रॉय कर दी है। अब क्या करें भाई, यहाँ से निकलो पहले तो जल्दी, उन लोगों ने यार पहले ही बम लगा दिए थे किडनैप करने से पहले, और लगता है टाइम बम लगे थे इसलिए वो एक्टिवेट हो गए बिना किसी को पता चले। मैं जल्दी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मेरी बाइक यहाँ पे छोड़ के गया था यार मैं एयरपोर्ट में, यहीं कहीं होगी। हाँ ये रही ठीक है, इसको लेके जाता हूँ मैं और पुलिस वालों को बताता हूँ क्या हुआ। पुलिस वाले लग रहा है कि वहाँ से पहले ही निकल चुके थे, बस गाड़ियाँ उनकी वहाँ खड़ी थी जो कि मैं एक लेके आ गया। अरे सर यहाँ पर आप आ गए, लेकिन वो स्कूल में पता है धमाका हो गया है, वो किडनैपर्स ने पहले ही वहाँ पे बम रखे हुए थे जो कि फट चुके हैं भाई, वो स्कूल तहस नहस हो गया है अंदर से और बाहर से भी शायद, अब क्या करें? यार अब तो तुम ही मदद कर सकते हो हमारी, पिछली बार जैसे तुमने हमें पुलिस स्टेशन बना के दिया था ऐसे ही कुछ दिन के लिए तुम्हें स्कूल बनाना पड़ेगा यार, कर दो क्योंकि बच्चे बेचारे पढ़ेंगे कहाँ, अभी वहाँ पे वैसे भी सब जाने से डरेंगे, तो तुम अपने घर में एक स्कूल बना दो ना। ठीक है मैं बनाता हूँ एक स्कूल मेरे घर को हटा के। हाँ यार यही करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि यार अभी स्कूल नहीं है, स्कूल में वैसे किडनैपर्स आ चुके हैं तो वो सेफ भी नहीं है, एक स्कूल मुझे ही बनाना पड़ेगा मेरे घर पे। मैं देखता हूँ उसके लिए, पहले तो मुझे स्कूल बस की ज़रूरत है भाई, ये देखते हैं कहाँ है, ये तो रैम के पास लग रहा है कोई से। अच्छा ये सामने से जा तो रहा है,
ठीक है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो उस बस के पास मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही मुझे धीरे धीरे सारा सामान लाना पड़ेगा। चालू करते हैं इस रैम को कहाँ से। अच्छा, इधर एक कार खड़ी हुई है, मुझे इस कार से जाना पड़ेगा तो फिर मैं ये रास्ता कंप्लीट कर पाऊँगा। पहले हम लोग को कुछ पंखों को पार करते हुए जाना है, जिनके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ते से जाना है भाई। देखो, अरे अटैच कर दिया। मैं सोच रहा था बिना टच करे जाके देखें एक से भी, ओ लेकिन टच हो गया, कोई बात नहीं। कंटेनर इधर है कुछ जो कि घूम रहे हैं क्या? हाँ घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो निकल जाएंगे बट इधर बीच में से जाना पड़ेगा, यहाँ साइड में जगह नहीं है। फिर से एक पंखा आ गया, इसको क्रॉस करूँ मैं? अरे टकरा गया, गाड़ी टूट रही है। साइड में जगह है क्या इस कंटेनर के? नहीं है, मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा इसके। ठीक है, इसको आने दो, फिर इसके ऊपर चढ़ाता हूँ गाड़ी। ओके, आ चुका है, चढ़ जा। चढ़ गई, अब आगे चलते हैं। ये दीवारों को क्रॉस करते जाते हैं, मेरी गाड़ी खुलती जा रही है भाई। गाड़ी एक एक करके खुल रही है, नीचे से तो पूरे ही कपड़े उतर चुके हैं इसके, ऊपर से थोड़ा बचा है। अरे ये कंटेनर ये घूम रहा है, अबे मुझे दिखा ही नहीं यार, मैं पहले ही आ गया, थोड़ी जल्दी कर दी मैंने, फिर से आ गया हूँ मैं। पिछली बार तो गलती कर दी थी, इस बार मैं वही करने वाला था, पर मैंने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार और घूम के आ जाएगा तो मेरा क्या ही जाएगा भाई, 10 सेकंड ही तो रुकना है। चलो आंदे आंदे, यहाँ से राइट और फिर ये ऊपर आएगा। आने दो, वेट करते हैं। आजा भैया आजा। ठीक है, अरे नहीं, एक टायर कौन चढ़ाता है वे गाड़ी पे, क्या कर रहा हूँ मैं? एक टायर चढ़ाया मैंने, दोनों टायर चढ़ाते हैं भाई, ये क्या कर दिया, ये फंस नहीं जाए। अरे यार, वैसे मैं निकल सकता हूँ, अगर ये कंटेनर नीचे से आके मेरे को ऊपर धक्का दे दे तो शायद मैं निकल सकता हूँ। निकल जाएगी, अरे निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी, किस्मत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन पीछे से अटक गई है। और नहीं यार, अबे क्या करूँ मैं, मेरी समझ नहीं आ रहा है, मैं बीचों बीच आ जाता हूँ। अब ये कंटेनर ही शायद लेके जा पाएगा, वैसे मैं आगे ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आ गया आ गया। ठीक है, इसके नीचे जाने से पहले कर दिया भाई। चलो अब इन पेड़ों के बीच में जाते हैं। आँख बंद करके चला लूँ क्या? वैसे कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि पता चले अचानक से एक रास्ता आ जाए और मैं कहीं नीचे गड्ढे में कूद जाऊँ। नहीं ठीक है, गड्ढा ही है जहाँ पे जाना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से कंटेनर है जिसको क्रॉस करके हमें चलना है, और क्लियर रास्ता है सामने कोन्स का। और आखिरकार मेहनत करके मैं आ चुका हूँ बस के पास। ये हमारी बस है जो कि मैंने उठा लिया है, स्कूल बस, जिससे कि बच्चों को लाने का काम मैं ही कर लूँगा, कुछ दिन क्या ही जाएगा, लेकिन मज़ेदार है भाई। तो बस को तो मैंने रख दिया है अपने घर के पीछे वाली पार्किंग में, अब जाके नेक्स्ट चीज़ लाते हैं भाई। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमको है ना कंस्ट्रक्शन साइट जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो बिल्डिंग है वो थोड़ी छोटी है ना स्कूल के हिसाब से, और स्कूल जैसी लगती भी नहीं है, तो स्कूल जैसे बनाने के लिए जितना भी सामान इसमें लगेगा वो हम लोग को लेके आना है। तो एक ट्रक में मैंने भर लिए है कुछ रेत, कुछ सीमेंट और कुछ ईंटें, और भी जो भी चीज़ें पड़ेंगी वो मैं लाते रहूँगा। पहले तो इनको लेके चलते हैं ट्रक से। अब चलते हैं अपन घर ट्रक को चला के भाई। एक तो यार बहुत ही मेरे को ना मुश्किल लगता है ट्रक चलाना, बहुत ज़्यादा ही लंबा रहता है एक तो, लेकिन मेरा घर पास है इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, सीधा हम लोग को घर तक पहुँचना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो बच रही है वो है टीचर। हमारे स्कूल के लिए एक टीचर चाहिए बढ़िया सी, और मैं एक टीचर को जानता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक टीचर है। मेरा भी इससे एक बार पाला हुआ था, लेकिन बातें थोड़ी ठीक हो गई थी। चलो उसको बुला के लाते हैं, वो टीचर काफ़ी फेमस है वैसे। जाते हैं हम उसके घर भाई। घर उसने ऐसी जगह पर बनाया ना, मैं बता नहीं सकता। हम लोग को ना बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, वहाँ पर उसका घर है, अभी सामने दिखेगा आपको। वो दिख रहा है एक बड़ा सा घर, हाँ वो उसी टीचर का है। अब चलते हैं उस घर पे बाइक से, अपनी बाइक मुझे कुदानी पड़ेगी यार नीचे। ठीक है, नीचे चलते हैं, आगे आगे भाई। अब देखता हूँ कि वो है कहाँ पे, उस चुड़ैल मतलब टीचर को मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। देखते हैं कहाँ पे होगी वो, ऐसे मुझे लगता है कि यहीं पे होना चाहिए था। ये देखो, ये रही उसकी फोटो, अब तो सब पहचान ही गए होंगे इनको। इनका नाम है मिस टी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शायद ये अपने कमरे में हो, इधर नहीं यार, इधर भी है, इधर ही है, यहाँ पे सो रही है ये। बच्चों को टॉर्चर करके, वैसे टॉर्चर करना अच्छा है, स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए हमें।
तो उससे भी मैंने बात कर ली है, वो आ जाएगी, उसको तो बस पैसों से मतलब है, पैसे मिलेंगे तो आ ही जाएगी, और पैसे मेरे को नहीं देने। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ स्कूल बनाने का। अरे यार अभी याद आया एक चीज, मैं भूल गया था, स्कूल का पूरा सामान तो मैं ले आया है, बट स्कूल के अंदर का सामान मैं लेके नहीं आया, जो कि हमारे बेंच डेस्क और बाकी सारे सामान होते ना, लॉकर वगैरह वो, और बुक्स भी चाहिए रहेगी, तो वो मुझे पुराने हमारे शहर के स्कूल से उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ले लिया है वो सामान भी, सारा सामान अब हमारे पास आ चुका है, अब बस हम लोग को स्कूल बनाना है। तो चालू हो चुका है काम पूरा, पेड़ काट लिए। अब मेरे सामने जो मशीन रखी है ये हाइड्रोलिक जैक्स, इससे हम लोग क्या करने वाले, हमारा घर जो है हल्का सा हमें खसकाना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि फिर राइट में एक बिल्डिंग बनाऊंगा मैं, तो ये जो मशीन है इससे घर खसका सकते हैं थोड़ा बहुत। और हो चुका है ये काम भी, और मैंने नीचे कुछ रेत पटक दिए, इसके ऊपर अब एक नई बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, बस एक महीना भी लग सकता है। तो फाइनली हमारी न्यू बिल्डिंग तैयार हो चुकी है स्कूल की। तो ये है हमारी बी बिल्डिंग, और हमारी ए बिल्डिंग रहेगी हमारा घर, जो कि अभी स्कूल लग नहीं रहा है, लेकिन ये भी लगेगा थोड़ी देर में। हाँ अब लग रहा है ये थोड़ा स्कूल जैसा। जो हमारी बस थी जो मैं लाया था, उसको मैंने पेंट करवा दिया है बिल्कुल बच्चों के पसंद का। एक स्विमिंग पूल आके छोटा सा बनवा लिया है, मेरा वाला स्विमिंग पूल मैंने ढक दिया, बहुत बड़ा था। फिर एक गेट मैंने बनवाया है स्कूल के लिए, और पूरी फेंसिंग लगवा दी है। ठीक है, मेरा जो घर है इसको मैंने एक स्कूल का लुक देने के लिए स्कूल का बोर्ड लगा दिया है, नाम मुझे पता नहीं इन लोग के स्कूल का, तो बस स्कूल लिख दिया है। एक फाउंटेन लगा दिया है, ऊपर रूफटॉप वाली छत बनवा दी है, और अब करते हैं हमारे स्कूल को हम लोग पूरा रेडी। तो हमारा स्कूल रेडी हो चुका है, स्कूल की खिड़कियां मतलब मेरे घर की खिड़कियां मैंने स्कूल जैसी कर दी है, और पूरा पेंट करवा दिया है, पूरा स्कूल रेडी है, बस बच्चे आना बाकी है। बाहर मैंने लॉकर्स रखवा दिए हैं स्कूल के लिए, जहाँ पे बच्चे अपने जूते रखेंगे। फिर अंदर लॉकर्स हैं ये सब किताबें और बाकी सामान रखने के लिए। हमारी फेवरेट टीचर मिस टी भी आ चुकी है, भाई बहुत खतरनाक है ये, मैं थोड़ा दूरी खड़ा हूँ इसलिए इससे। और उसके बाद यहाँ पर एक गेट है जो कि दूसरी बिल्डिंग के लिए। फिर इधर एक लाइब्रेरी है छोटी सी, जहाँ पे किताबें रखी हुई है, कुछ लॉकर्स है। और फिर ऊपर वाले फ्लोर में एक और क्लासरूम है जो कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए, यहाँ पर शायद मिस्टी ही पढ़ाएगी या फिर कोई और हम लोग को टीचर लानी पड़ेगी, देख लेंगे वो तो हम। तो ये हमारा फुल स्कूल रेडी, हमारे घर को बदल के हमने बना दिया है स्कूल। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो जहां पर मैंने अपने घर को एक पुलिस स्टेशन में बदला था, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।